ये है एक 250 मिलियन डॉलर का प्राइवेट आइलैंड। मिस्टर बीस्ट के हर एक वीडियो में 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज, जहाँ हिलर स्मिथ जैसे 5-6 एडिटर की टीम लग जाती है जो एडिटिंग के लिए ब्लेंडर या सिनेमा 4D जैसे सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करती है टू क्रिएट लाइक हाई प्रोडक्शन 3D इफेक्ट्स। तो क्या मिस्टर बीस्ट जैसी एडिटिंग एक सिंगल बंदे के लिए कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर में पॉसिबल भी है? हाँ बिल्कुल है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप ऐसी हाई क्वालिटी मिस्टर बीस्ट लेवल की एडिटिंग कैपकट जैसे फ्री सॉफ्टवेयर में बिना किसी टीम या एक्स्ट्रा एक्सपेंस या फैंसी टेम्पलेट के इजीली बना सकते हो और क्लाइंट से बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हो, जो कि सच बताऊं तो बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। पर वीडियो के एंड तक आपका आउटपुट कुछ ऐसा होगा। मैंने लगातार पूरे 90 दिनों तक 100 से ज्यादा मिस्टर बीस्ट की वीडियोस को एनालाइज किया, मिस्टर बीस्ट के फेवरेट एडिटर हिलर स्मिथ के 50 घंटों की एडिटिंग कोर्स को कंज्यूम किया, यूट्यूब पे भी हाउ टू एडिट लाइक मिस्टर बीस्ट की सारी वीडियोस खा डाली और फाइनली कैपकट में ही मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग स्टाइल को डीपली एक्सप्लोर करने की कोशिश करके मुझे मिले वो 5 की पॉइंट जो आपकी एवरेज वीडियो को यहाँ से ऐसा बना देगी। बस वीडियो के एंड तक खुद को ही मिस्टर बी समझने मत लग जाना। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, स्टार्ट विद अ बैंग। जी हाँ, मिस्टर बीस की हर एक वीडियो एक बैंग से शुरू होती है। वो एक बड़ा जूम आउट टेक्स्ट के साथ होती है जो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लेती है। ये टेक्निक कैपकट में करना बहुत आसान है और यहाँ मैं आपको की फ्रेम का यूज करना दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आप एक की फ्रेम सेट करते हो, फिर पोजीशन और इफेक्ट्स को स्केल करके जूम इफेक्ट पे स्मूथली ट्रांजिशन करते हो। जैसे मिस्टर बीस्ट की इस एडिटिंग को, इस इफेक्ट को मैं धीरे धीरे हर एक फ्रेम को देखूं, तो इस इफेक्ट को कॉपी करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आप आराम से यहाँ पे ऐसे मिमिक कर सकते हो जिससे विजुअली डायनेमिक बन जाएगा आपकी, कुछ इस तरीके का। इस जूम इफेक्ट के बाद तो काफी सारी चीजें बहुत फास्ट हो जाएगी और यही स्पीड आपको चक्कर दे सकती है। और इसी स्पीड से रिलेटेड हमारा नंबर 2 पॉइंट है, जो है स्पीड रैंप्स फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट। अब आप सिंपल भाषा में इस बिफोर एंड आफ्टर सीन को देखो जिसमें स्पीड रैंप को दिखाया गया है। यही स्पीड रैंप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस का वो हिडन जेम है जो आपकी डल से सीन को कुछ ऐसा एक्शन पैक बना देती है। और यह चीज कैपकट में करना इतना सिंपल है कि आप सोचोगे ये तो पहले क्यों नहीं किया। स्पीड रैंपिंग जैसे इफेक्ट की फिनिशिंग आप आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर पे ज्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हो, पर कैपकट में भी आपको ऐसा आउटपुट तो मिल ही जाएगा। मान लो एक ड्रोन शॉट है जो थोड़ा बोरिंग है, अब आप कैसे स्पीड रैंपिंग का यूज करके इस बोरिंग से शॉट को फास्ट या स्लो मोशन में कॉम्बिनेशन बना के इसको थ्रिलिंग बना सकते हो? और मिस्टर बीस्ट का मंत्र बोले तो स्लो शॉट्स को फास्ट कर दो और फास्ट शॉट को स्लो। ऑल्दो जो जमीन आसमान का डिफरेंस है वो आफ्टर इफेक्ट्स और कैपकट में है, स्पेशली स्पीड रैंपिंग के केस में। और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से कवर किया है कैपकट वर्सेस आफ्टर इफेक्ट्स वाली वीडियो में, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्पीड रैंपिंग का मतलब ये नहीं होता। और बात करें मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में जिसमें रियल एक्सप्लोजन्स होते हैं, पर अगर आपको अपना घर सेफ रखना है तो कैपकट के ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को यूज करो। बस यहाँ जाओ, क्रोमा की से ग्रीन स्क्रीन को हटा दो, साइज को एडजस्ट कर दो एंड बैम, अब जब भी आपको एक्सप्लोजन दिखेगा ना तो आपको लगेगा यूट्यूब के रोहित शेट्टी तो आप ही हो, क्योंकि एक्सप्लोजन तो ईजी है। बट अब जरा हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, अटेंशन ग्रैबिंग की। जब भी लोग विजुअल्स देख रहे होंगे उनकी आंखों को टेक्स्ट से और ज्यादा बिजी रखो, और यही भी हमारा नंबर 4 पॉइंट आता है, टेक्स्ट पॉपअप फॉर एंगेजमेंट। और अगर मैं बात करूं मिस्टर बीस्ट के वो सीक्रेट वेपन की तो वो है टेक्स्ट पॉपअप। हर मिस्टर बीस्ट की वीडियो में टेक्स्ट पॉपअप ऐसा होता है कि व्यूअर्स की आंखें ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चलती आती है। ये गेम सॉफ्टवेयर का नहीं है, ये गेम साइकोलॉजी का है। और सॉफ्टवेयर कैपकट भी यूज करोगे तो ये ट्रिक काफी आसान है, सिर्फ छोटे छोटे इम्पैक्टफुल फ्रेजेस डाल दो। मैं आपको एक डेमो के साथ दिखाता हूँ। ये हमने ओपन कर लिया अपना फोटोशॉप जिसमें हमने टेक्स्ट टूल लेके कोई भी टेक्स्ट टाइप किया। अब किसी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके आप ग्रेडियंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट देना है। जब आपका इस तरीके से ग्रेडियंट कंप्लीट हो जाए आप यहां से स्ट्रोक दे सकते हो। स्ट्रोक को कंप्लीट करते आपको सिंपली इस टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करके आप आराम से इसकी एनिमेशन के साथ खेल सकते हो। अब इसके ग्राफ्स में ईज इन एंड ईज आउट के इफेक्ट्स को एडजस्ट कर लो एंड वाला आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो गई। और एक प्रो टिप दूं, टेक्स्ट को ज्यादा लंबा मत करो, 2-4 वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ड्स में खत्म कर दो और टेक्स्ट को जितना हो सके स्पीडी और पंची बनाओ। और एडिटिंग के साथ साथ थोड़े ग्रामर्स में ध्यान देना, वरना कमेंट में कुछ ऐसे कमेंट्स मिलेंगे। पर हाँ, ऐसे कमेंट्स आपके एंगेजमेंट तो जरूर बढ़ा देगी। और अगर मैं हैक की बात करूंगा तो अभी वाला हैक सबसे ज्यादा पावरफुल है जो आपकी वीडियोस को लाइटनिंग स्पीड में वायरल बना सकता है। और कितने पावरफुल हैक्स देगा रे तू?
मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ जमकट, और यही जमकट का मैजिक मिस्टर बीस्ट की वीडियोस का कोर है। हर एक बोरिंग सेकंड को कट करके वीडियो को फास्ट पेस और एक्साइटिंग बनाओ। मिस्टर बीस्ट की हर एक दो सेकंड में कट जरूर आता है, और ऐसे कट्स के लिए कैपकट या प्रीमियर प्रो की नहीं, आपको साइकोलॉजी यूज करने की जरूरत है। हर एक सेकंड कट यार एक चुटकी आती है जिससे ऑडियंस का अटेंशन स्पैम ट्रिगर होता है। और कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर में जमकट करना कितना सिंपल है कि एडिटिंग भी आपको बहुत फन लगने लगती है। मिस्टर बीस्ट की वीडियोज में स्पेसिफिकली जब ये जमकट्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं तो आपको लगता है हर एक सेकंड कुछ नया हो रहा है। और यहाँ तक कि डिज्नी के बड़े बड़े शोज में भी ये यूट्यूब हैक को यूज किया जाता है। ऑल्दो ये यूट्यूब हैक नहीं है, ये फिल्म मेकिंग की टेक्निक है जो यूट्यूब में यूज होती है। तो अपने यूट्यूब वीडियोस में ये फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स भर दो, स्पेसिफिकली जंप कट्स की टेक्निक्स भर दो, जिससे आपकी वीडियोस भी कुछ टेलीपोर्टेशन लगने लग जाए, और आप इसी बहाने अपने अभी एक मिस्टर बीस्ट के लेवल पे चैनल बना सको या फिर अपने क्लाइंट्स को भी उस लेवल पे पहुंचा सको। पर इन सभी इफेक्ट्स को यूज करने के लिए भी आपको कैपकट बहुत अच्छे से आना चाहिए फ्रॉम स्क्रैच, जो कि आपकी नॉर्मल वीडियोस को भी नेक्स्ट लेवल पहुंचा देगी। सो कंप्लीट कैपकट फ्रॉम स्क्रैच सिर्फ 10 मिनट में सीखने के लिए मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से नहीं होता, इस ट्यूटोरियल को एक हफ्ते तक स्ट्रेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी बोरिंग हो। और मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग की अगर साइकोलॉजी जाननी है और यहाँ तक आप पहुंच चुके हो तो कमेंट करो साइकोलॉजी, जिससे मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 ले आऊं, जिसमें मैं और थ्योरेटिकल समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग इतनी इजी नहीं है। पर मेरा एक मंत्र हमेशा याद है, अपने लिमिट्स को हमेशा पुश करते रहना, वरना लिमिट्स तुम्हें पुश कर देगी।